मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आप जो है इन ऑपरेटर का इस्तेमाल अपने एक्सेल में कर सकते हैं। जैसे अगर दो वैल्यू को मुझे सम करना है तो जनरली आप इक्वल सम का फॉर्मूला यूज करते हैं, या इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं प्लस। अब ये सम नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट बता रहा हूँ कि हम दो तरह से कैलकुलेशन करते हैं। हम जो है पहले जो एक्सेल की जो इनबिल्ड फंक्शन है उसका इस्तेमाल करते हैं जो कि सम है, दूसरा मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस है, उसको आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ पे, मैंने मेरे पास क्या है कि यहाँ पे बाय है कि हमने कोई प्रोडक्ट को 500 में बाय किया और उसको हमने सेल किया 550 में, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हो सकता है एक्सेल में फॉर्मूला ना, लेकिन हम मैथमेटिक्स में कहते हैं कि मैथमेटिक्स में कहते हैं कि यहाँ पे सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बार। अब इसी चीज को यहाँ यूज करते हैं कि हम बोलते हैं, सॉरी 550 है ना, सेल माइनस बार, सेल माइनस बार डिवाइड बाय बार। अब ये रिजल्ट आपका गलत हो क्योंकि यहाँ पे बोर्ड मास मेथड यूज होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज हो रहा है बोर्ड मास मेथड। तो यहाँ हम ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि पहले डिवाइड होता है देन माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसमें भी डिवाइड करना है, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया C8 माइनस B8 डिवाइड बाय B8। एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आएगा ये और इस पे परसेंटेज सेम मिलेगा। इस तरह की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं एक्सेल में इनकी मदद से। अब चलिए कुछ और कैलकुलेशन आपको हम समझाते हैं। तो मेरे पास प्रिंसिपल है, रेट है और टाइम है, मुझे इस पे अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है, अमाउंट। तो अमाउंट निकालने का तो यहां प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम, नहीं तो सॉरी, वन प्लस आर डिवाइड बाय एन पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय एन। ठीक है, तो अमाउंट जो फॉर्मूला होता है
प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय वन प्लस आर डिवाइड बाई एन पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई एन। अब प्रॉब्लम है कि इसको एक बार में कैलकुलेशन मुश्किल होगा ना, तो यहां पे हम इसको अलग अलग करेंगे, जैसे वन प्लस और ब्रैकेट में आर डिवाइड बाई टेन, मतलब टेन को डिवाइड करेंगे ट्वेल्व से, रिजल्ट आ गया। देन टाइम मल्टीप्लाई बाई एन मतलब कि ट्वेल्व, फिर इन दोनों का पावर निकालेंगे, फिर इस पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रिंसिपल से, तो रिजल्ट आ गया 10% से 5 सालों में 50,000 का 82,000 हो जाए। पर प्रॉब्लम है कि इसको हमने बहुत सारे अलग अलग सेल में किया है, इसको इजीली हम कंबाइन कर सकते हैं, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे कॉपी, और यहाँ जहाँ डी, यहाँ पे आपका जो D13 के अंदर ब्रैकेट में हम D13 का फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं, और फिर इसमें भी हम कॉपी करते हैं और इसके अंदर भी हम E13 का फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं। अब इन दोनों को डिलीट किया जा सकता है, फिर वापस इसको हम यहां से सिलेक्ट करें और यहां F13 के जगह पे हम ब्रैकेट में पेस्ट करते हैं। बट इस फॉर्मूले ए जो रिजल्ट है यहां पे शो होना चाहिए, तो आप इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो दिक्कत होगा, इसको हम कट करके यहां पेस्ट कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कट करके पेस्ट कर दे रहे हैं। समझ गए? तो इस तरह से हम मैथमेटिक की कैलकुलेशन करते हैं। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बाद हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, ऐसे ही एक्सेल में लॉजिकल ऑपरेटर होता है, जैसे कि इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। यहां अगर हमने कुछ सेल्स अमाउंट, कुछ फिगर डाले हुए हैं और मुझे पता करना है कि ये फिगर जो है ग्रेटर देन 50 है या नहीं है, तो हम जनरली इसको सिलेक्ट करते हैं, ग्रेटर देन 50 डालते हैं और नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। तो रिजल्ट जो आएगा वो आपका ट्रू एंड फॉल्स में आएगा, ट्रू एंड फॉल्स में। लेकिन मुझे रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स नहीं चाहिए, मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो ओके और पेंडिंग इस तरह कुछ चाहिए। तो यहाँ पे हम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं, इफ अगर ये ट्रू हुआ तो यहाँ पे ओके, अदरवाइज पेंडिंग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम तो यहाँ इफ में डायरेक्ट दे देते हैं कि ग्रेटर देन 50 है तो यहाँ ओके आए, अदरवाइज पेंडिंग आए, ठीक है। देखिए क्या ध्यान रखिएगा कि यहाँ हम कंबाइन कर रहे हैं, ए हमने जो यहाँ कैलकुलेशन किया इफ कहता है कि इसको ट्रू एंड फॉल्स चाहिए, लेकिन हम ट्रू फॉल्स को अलग सेल पे लगाएंगे जिसको कॉल करेंगे तो एक कॉलम एक्स्ट्रा रखना पड़ जाएगा, इसीलिए हम यहाँ इफ में कंबाइन कर देते हैं। इसको अलग इसलिए बताया क्योंकि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इफ, इफ का पार्ट नहीं है, इफ को यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स चाहिए। क्या चाहिए? ट्रू एंड फॉल्स, समझ गए? बट यहाँ आपने कंबाइन किया, देखा हमने यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने आपके साथ क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने लिखा है। क्यों लिखा? क्योंकि ओके जो है एक टेक्स्ट है, क्या है? टेक्स्ट, एबीसीडी है।
इसलिए इसको हमने इसके बीच में रखा है, समझ गए? इफ फॉर्मूला समझ में आया क्या करता है इफ फॉर्मूला? अचल जी अब यहां पे बात करते हैं, कोई भी फॉर्मूला हम लगाते हैं तो कैसे लगाए? आपको प्रेस करना इक्वल और उस फॉर्मूले का इनिशियल करेक्टर देना है, और जैसे करेक्टर देंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आया था, ऑटो सजेशन आया। जिस फॉर्मूले को सिलेक्ट करोगे उसका डेफिनेशन के सामने दिख जाएगा, ठीक है, दिख गया। और फिर टैब, अपना कीबोर्ड का टैब की प्रेस करते ही वो फॉर्मूला अप्लाई हो, और नीचे जो दिखता है उसको बोलते हैं फॉर्मूला का साइन टेक्स्ट इनपुट। तो लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स तीन इनपुट्स के अंदर होंगे और उसको कैलकुलेट करके वो आउटपुट देगा। अभी जो तीन इनपुट्स आप यहां देख रहे हैं इसमें लॉजिकल टेस्ट आपका नॉर्मल है, बट वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स आपका स्क्वायर ब्रैकेट में है। कहां है? स्क्वायर ब्रैकेट में। क्लियर है? तो स्क्वायर ब्रैकेट में है इसका मतलब है कि ये ऑप्शनल है। क्या है? ऑप्शनल है। और यहां जो दिख रहा है क्या है? रिक्वायर्ड है। क्या है ये लॉजिकल टेस्ट आप पर? क्या है? रिक्वायर्ड है। समझ गए? ऐसे इसका ही नहीं है सब, जैसे वी लुकअप लगाते हैं तो ए देखिए लुकअप वैल्यू बाकी ट्रू है या लॉजिक क्या बोलते हैं रिक्वायर है, रेंज लुकअप आपका ऑप्शनल है, मतलब इसको डालो या ना डालो आपका उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, इसको डालो या ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है, समझे? समझ गया ना सर? इफ और इफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? आज बेसिकली जिनका बैच